फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और मैं ठीक हूँ। आज जो मैं लेके आई हूँ वो है दीपावली में मैंने घर के लिए क्या क्या शॉपिंग की, तो मैं आप लोगों से आज वो शेयर करने वाली हूँ। शेयर करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर जो नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी पता चलेगा कि मैंने अपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए दीपावली में क्या क्या खरीदी है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आप लोगों से शेयर करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो मैं दिखाना चाहूँगी आप लोगों को वो है ये वाला पाँव पूछ, जो बाहर के लिए एकदम फ्रंट वाले गेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने डी मार्ट में ख़रीदा था और डी मार्ट में ये मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया, जबकि जमशेदपुर में नॉर्मल ऐसे ख़रीदने जाओ तो फिर ये 99 में तो बहुत दूर की बात है, 100 तो पार कर ही देनी है। उसके बाद जो 100 एबव लगाए, 120, 150 जो लगाए तो वो ऐसे देते थे, ये मुझे डी मार्ट में सिर्फ और सिर्फ 99 में मिली, तो इसलिए मैंने इसे फटाक्सना ले लिया और इसे मैं दीपावली में अपने फ्रंट गेट के सामने रखूंगी, क्योंकि इस टाइप का जो पाँव पूछ होता है ना वो फ्रंट गेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी बात ये बता दूं कि अगर मैं डी मार्ट का नाम लेती हूँ तो जमशेदपुर में डी मार्ट कहीं नहीं है। मैंने ये सब सारी शॉपिंग जो है बैंगलोर गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, तो मैंने वहाँ की थी, सब दीपावली के लिए मैंने रखा था, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और दूसरा जो है मैंने ये दूसरा भी दो ठो पाँव पूछ खरीदा था, ये मैंने डी मार्ट से नहीं खरीदा था, ऐसे ही लोकल से खरीदा था। 120 रुपीज़ में मुझे ये दोनों पाँव पूछ मिल गए, तो मैंने झट से ले लिया। सॉरी मैंने नहीं लिया, मेरी सिस्टर ने ली थी और मैंने सिस्टर से ले लिया, बोला कि तुम्हारे यहाँ तो तुम तो हमेशा खरीदते रहोगे, कि 120 में ये दो पाँव पूछ जमशेदपुर में मिलना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मुझे दे दो और तुम्हारे यहाँ तो मिलती रहती तो तुम खरीद लेना। तो उसने मुझे ये दो पाँव पूछ जो है दे दी 120 में, ओनली 120 में ही दे दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हुई जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुई। उसके बाद मैंने डी मार्ट से जो लिया है वो है ये वाला फर वाला पाँव पूछ। इसे मैं पाँव पूछ में कम यूज़ करूँगी, ज़्यादातर जो वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए DIY, तो उसमें मैं इसे ज़्यादातर यूज़ करूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है, इसे तो यूज़ करने का मन ही नहीं करता। मैं इसे अभी नहीं खोलूँगी, बिकॉज खोलूँगी तो फिर फोल्ड करके रखने में प्रॉब्लम होगी। मैं दीपावली के दिन इसे यूज़ करूँगी तो मैं उसी दिन खोलूँगी, या उससे पहले मैं कोई DIY बनाई तो उसमें यूज़ करूँगी। तो ये मुझे जो दिया था ये मैंने डी मार्ट से लिया था और ये 279 में दिया था। और जैसे मैंने इसका प्राइस 279 देखा इस तरह का फर वाले पाँव पूछ के लिए, तो मैंने झट से ले लिया। मैंने ना दायां देखा ना बायां देखा, इसमें दो कलर थी, एक कलर ये थी और दूसरी कलर क्रीम कलर में थी, तो मैंने कहा क्रीम कलर में मैं नहीं लूँगी, बिकॉज मेरे घर में छोटी बच्ची है तो क्रीम कलर का बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे, ये कलर थोड़ा सा जो है गंदा पचा लेगा, तो इसलिए मैंने ये कलर लिया। अब जो मैंने डी मार्ट से लिया है मैं वो दिखाती हूँ। मैंने डी मार्ट से ये डबल बेडशीट लिया है ये, और इस पर जो प्रिंट है ना ये मुझे बहुत, इसका जो कलर है ना बहुत ब्राइट कलर है, तो मुझे आजकल पता नहीं क्यों बहुत ब्राइट कलर पसंद आने लगा है, तो मैंने ये ब्राइट कलर में लिया है। इसे भी मैं दीपावली के दिन जो है अपने बेड पे बिछाऊंगी। एक्चुअली ये सिंगल और डबल दोनों था, तो मैंने डबल लिया क्योंकि सिंगल का मेरा कोई काम है नहीं, सिंगल कोई बेड है नहीं या आगे में भी कोई ऐसा सिंगल है नहीं जिस पे लूँ, तो मैंने डबल लिया। और इसके साथ जो है ये पिलो कवर जो है सेट में है, और इसकी प्राइस आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसकी भी प्राइस डी मार्ट में बहुत ही कम थी। दूसरे जगह के हिसाब किताब में, खासकर जमशेदपुर के किसी भी शॉप में जाओ तो इतने कम प्राइस में नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने झट से ले लिया। पर सॉरी इसमें प्राइस नहीं मिल रही है, अगर मैं बाद में चेक करूँगी, अगर मिल गई तो मैं ज़रूर डाल दूँगी स्क्रीन पर, फिलहाल तो नहीं मिल रही है। इतना कुछ था डी मार्ट का, नहीं एक चीज़ और है जो मैं दिखा दूँ डी मार्ट का, ये भी डेकोरेशन का सामान है जो दीपावली में मैं अपने घर में डेकोरेट करूँगी। ये मैंने दो पीस लिए और इसका प्राइस मैं बता दूँ ओनली 49 रुपीज़, अनबिलीवेबल, ओनली 49 रुपीज़, ओनली 49, एक
एक पीस का 49 रुपीस और एक पीस का 49 रुपीस। तो सोचिए इतना सस्ता मुझे ये दो पीस मिल गए। तो ये भी मैंने डीमार्ट से लिया है। इसकी जो आवाज़ करती है ना घंटी, बहुत अच्छी लगती है। किसी डोर के पास मैं लगा दूंगी, मेरे रूम में बहुत सारे डोर हैं तो वहाँ लगा दूंगी। अब इतना सामान था डी मार्ट का जो मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ जो मैं ली हूँ, एक स्माइली। ये मैंने डी मार्ट से नहीं लिया था, ये मेगा सिटी में एक शॉप थी 99 करके कुछ ऐसे ही शॉप का नाम था, तो मैंने वहाँ से ये लिया था। ये दो लिया था, हाँ ये दो लिया था, एक सिस्टर के लिए और एक अपने लिए। और इसकी प्राइस है 249। इसकी प्राइस 249 है, जबकि आप नॉर्मली बैंगलोर में इस तरह का ऐसे नॉर्मल में चल जाइए तो 150 तक में आराम से ये स्माइली मिल जाएगा। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने मॉल के किसी शॉप से लिया है तो इसीलिए 249, पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो इसीलिए 249 चलो दे पे कर दिया। मैं एक बात मेंशन कर दूं कि आप लोगों के लिए 249 बहुत नहीं लगता होगा, पर मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में एक ही हस्बैंड जी हैं जो कमाने वाले हैं और हम लोग खाने वाले 3-4 आदमी हैं, तो इसीलिए मुझे तो 249 बहुत ही लग रहा है, पर सभी को नहीं लग सकता है। इसीलिए जिसको जो मैसेज करना है कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। और अब मैं यहाँ पे लोकल में ही जमशेदपुर जहाँ रहती हूँ वहाँ पे घर बेचने आए थे तो मैंने उनसे ख़रीदा था। मैंने आप लोगों से एक ब्लॉग में शेयर भी की थी ये, और गणेश 250 या 260 में मुझे ये दोनों मिल गया था, मुझे याद नहीं है। और इस पर कोई प्राइस टैग भी नहीं है जो मैं उसे देख के बता दूँ। तो ये मैंने लिया था घर के डेकोरेशन के लिए, ये भी मैं सोच रही हूँ, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कहाँ लगाऊँ तो इसलिए ये अभी तक लगा नहीं है, नहीं तो अगर डिसाइड हो गई रहती तो ये लग गई रहती। तो इसे मैं डिसाइड करती हूँ फाइनली दीपावली में भी लगा दूँगी। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो ये सारे सामान जो मैं दीपावली में यूज़ करूँगी, दीपावली में अपने घर को डेकोरेट करूँगी, तो वो सारे सामान मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो ये वीडियो है कैसा लगा और मैंने जो सामान डेकोरेट के लिए ख़रीदा है वो क्या मुझे शॉप वालों ने ठग लिया या मैंने उन्हें ठग लिया, मतलब सही प्राइस है कि नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप लोग का प्यार ही तो है जो मैं वीडियो पर वीडियो ब्लॉग पर ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आप लोग से प्यार ना मिले तो मैं तो थक हार के छोड़ दूंगी, और मुझे ब्लॉग बनाना वीडियो बनाना अच्छा लगता है और आप लोगों का प्यार मिलता है तो मुझे बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इस ब्लॉग को जो इस ब्लॉग नहीं सॉरी इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।